और इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन लगातार जारी है। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पुंछ के डेरा की गली इलाके में 20 दिसंबर की रात से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन के दौरान 2 गाड़ियों से सेना के जवान मौके पर जा रहे थे, इसी दौरान आतंकियों ने घात लगाकर सेना की 2 गाड़ियों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए हैं। हालांकि लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है, आतंकियों को खदेड़ने के लिए यहां पर आर्मी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से घात लगाकर नापाक हरकत आतंकियों की यहां पर एक बार फिर से सामने आई है। 2 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए, ये वही गाड़ी है जिसमें हमला हुआ है और 5 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। आतंकियों से फिलहाल जानकारी मिल पा रही है कि 15 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मुठभेड़ लगातार जारी है, आतंकियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आवाजाही भी तमाम इलाकों में फिलहाल बंद कर दी गई है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से ये बड़ा आतंकी हमला, सेना की 2 गाड़ियों पर फायरिंग की गई जिसमें हमारे सेना के 5 जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने घात लगाकर यहां पर ये बड़ा आतंकी हमला किया और ये तस्वीरें आप फिलहाल देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पुंछ में ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है। ग्राउंड जीरो से लाइव तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मुस्तैदी यहां पर बढ़ती जा रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, गहन सर्च ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि ये पूरा इलाका पीर पंजाल का इलाका है, घने जंगल यहां पर है, चुनौती कहीं ना कहीं बनी हुई है, लेकिन हमारे जवान मुस्तैद है, चप्पे चप्पे पर नजर बनी हुई है। 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुंछ के इलाके में देखिए किस तरीके से घुसपैठ की जो वारदातें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सर्दियों का मौसम है और यही वजह है कि आतंकी सर्दी का मौसम हो या बर्फबारी कहीं ना कहीं होती है, इसको लेकर घुसपैठ जो है वो ज्यादा कर लेते हैं। आतंकी संगठन पीपुल्स एंटी फासिस्ट मूवमेंट की तरफ से तो बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर है। पीपल्स एंटी फासिस्ट मूवमेंट की भूमिका जो है, फासिस्ट मूवमेंट की जो भूमिका है वो इस पूरे हमले में नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी संगठन पीपुल्स एंटी फासिस्ट मूवमेंट की भूमिका इस पूरे आतंकी हमले में। अमित हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अमित, क्या डिटेल्स मिल सामने आ रही है? देखिए, यह प्रॉक्सी संगठन है पीपल एंटी फासिस्ट मूवमेंट और पिछले 4 साल से यह सक्रिय है और जम्मू कश्मीर में यह खासकर जम्मू में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में इसकी बड़ी भूमिका सामने आई है। 26 महीने में 4 बड़े आतंकी हमले हुए हैं और इन सब में इसकी भूमिका आई है और दरअसल यह लश्कर और जैश की जो कार्यकर्ता है वह इसमें संलिप्त है। तो कल की जो आतंकी घटना है उसमें भी इसी संगठन की जो भूमिका है वह सामने आई है और खास बात यह है कि सीमा पार जो आतंकी कैंप जो चल रहे हैं उनके जरिए जो आतंकियों की सप्लाई इस संगठन में हो रही है 4 मुख्य जगहों पर, मसरूर बड़ा भाई, चपराल, लूनी और शकरगढ़, इन जगहों पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कैंप चल रहे हैं। यहाँ से आतंकियों की जो घुसपैठ है वो उसकी जानकारी खुफिया एजेंसी को मिली है। आबिद, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके की स्ट्रैटेजी इनकी रहती है, क्या मूवमेंट इनकी रहती है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से पूरा हमला किया गया है, प्लानिंग बकायदा की गई है, 2 महीने रेकी की गई इनकी तरफ से इस पूरे इलाके की। देखिए, हम अगर हम पूरे जम्मू का इलाका देखें तो पिछले 2 महीनों में 2 बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायोलेशन भी किया गया, भारी तादाद में फायरिंग हुई थी जो कि अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन भी था और इसके बाद एक स्नाइपर अटैक भी हुआ था। तो ये सारी गतिविधियां इस बात की ओर इशारा करती है कि पूरा सपोर्ट पाकिस्तान की ओर से मिल रहा है आतंकियों को घुसपैठ कराने में और इसमें जो पाकिस्तान की जो सेना है वह प्रमुख भूमिका अदा कर रही है। और कल का जो हमला है 26 महीने का 4वां बड़ा हमला, वो भी इसी कड़ी का एक अहम हिस्सा है। पूरी तरीके से हमलावरों को, आतंकियों को पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद मिली थी और इसमें स्नाइपिंग और एक प्रॉक्सी आतंकी संगठनों के मदद की पूरी जानकारी मिली है। लेकिन अमित, ये पहली दफा नहीं है जब पाकिस्तान का इस तरीके से नापाक चेहरा सामने आया और भारत ने जब जब पाकिस्तान का ये चेहरा सामने आया है खरी खरी वैश्विक मंचों पर भी आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को सुननी भी पड़ी है और बेइज्जती भी हुई है। और जिस तरीके से ये बड़ा हमला फिलहाल हुआ है इस पूरे इलाके में, उसके बाद से क्या कुछ स्ट्रैटेजी आगे देखी जा सकती है?
जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा ये हमला है, पहाड़ी इलाकों में हमला किया गया और उस जगह पे सेना के इंस्टॉलमेंट पे हमला किया गया और उसी तरीके से हमला किया गया है जिस तरीके से तीन बड़े आतंकी हमले पहले किए गए थे। इसका मतलब साफ है कि उन जगहों पर जो व्हीकल मूवमेंट की तैनाती है उसकी आतंकियों को पूरी जानकारी थी। अब यह ओवरग्राउंड वर्कर कौन से क्या मदद कर रहे थे इसका पता लगाना बहुत बड़ी चुनौती। और हाल के दिनों में एक और बहुत बड़ी चीज देखी गई कि जब कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी आतंक को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तानी आतंकी संगठन और पाकिस्तान की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया गया और इसी आतंकी हमले में ये बात पूरी तरीके से देखी गई है कि जम्मू को भी आतंकी आग में धकेलने की यह कोशिश की पाकिस्तान की साजिश है। अब ये देखना है कि कौन कितने ओवरग्राउंड मदद कर रहे हैं। लेकिन अमित, जितनी बात पाकिस्तान या आतंकवाद की तरफ से आतंकवाद फैलाने की कोशिश की गई उतनी बारी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है, PAFF की भूमिका यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए घाटी में जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन या घुसपैठ की कोशिशें कम हो गई थी, अब जम्मू की तरफ जो है इनका रुख होता हुआ नजर आ रहा है और PAFF की भूमिका खास तौर पर जो आतंकी हमला कल हुआ है उसमें नजर आ रहा है और पाकिस्तान का नापाक चेहरा एक बार फिर से यहाँ पर बेनकाब होता हुआ नजर आया। ओवरग्राउंड वर्कर की मदद भी ली गई है, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। तो देखिए तीन तस्वीरें आप देखिए कि कितने बड़े स्तर पर फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। घात लगाकर इन आतंकियों ने हमारे जवानों पर हमला किया है। सेना की दो गाड़ियों पर यह फायरिंग की गई ताबड़तोड़, जिसके बाद अब देखिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है, चप्पे चप्पे पर यहां पर हमारे जवान तैनात है, हर किसी पर नजर रखी जा रही है। लेकिन PAFF इसकी भूमिका बेहद अहम यहां पर मानी जा रही है, जिसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से निकल कर आता है। पाकिस्तान सीधे तौर पर यहां पर इन आतंकियों को फलने फूलने में मदद कर रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है और यही वजह है कि ये अपने मंसूबों में इस तरीके से कामयाब हो जाते हैं। हालांकि आप देखिए कि किस तरीके से पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ऐसे में जहां पर भी ये दुश्मन छिपे होंगे इन्हें खदेड़ लिया जाएगा। लेकिन चैलेंजिंग सिर्फ ये है क्योंकि ये पूरा इलाका घने जंगलों से सटा हुआ है, ऐसे में कहां पर ये घात लगाकर छिपे हो सकते हैं इन्हें ढूंढने में थोड़ी मुश्किल जरूर आएगी। लेकिन जिस तरीके से ये बड़ा सर्च ऑपरेशन फिलहाल यहां पर जवानों की तरफ से किया जा रहा है, उसके बाद से लगातार जो है ये जानकारी मिल पा रही है कि अब इन्हें खदेड़ा जाएगा। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, 26 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति मेहमान हो सकते हैं, इमैनुअल मैक्रों हो सकते हैं 26 जनवरी के मेहमान, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो 26 जनवरी को इमैनुअल मैक्रों मेहमान के तौर पर भारत आ सकते हैं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के वाले से बड़ी खबर है कि फ्रांस के राष्ट्रपति को मेहमान के तौर पर 26 जनवरी के लिए बुलाया जा सकता है, ये सूत्रों के वाले से बड़ी खबर है। इमैनुअल मैक्रों जो है वो भारत आ सकते हैं 26